ग्वालियर की एक जाबाज बेटी की उत्तराखंड के ITBP यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ट्रेनिंग कैंप के दौरान संदिग्ध हालातों में जान चली गई है। ट्रेनिंग के बाद कैंप में गई शिव कुमारी अचानक जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में आते ही पता चला कि उनकी जान पहले से ही जा चुकी थी। ग्वालियर डबरा में रहने वाली शिव कुमारी अपने पिता का सपना पूरा करने फोर्स में गई थी। रविवार को उनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड के ग्वालियर पहुंचा है। रविवार दोपहर नव आरक्षक शिव कुमारी बाथम का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ ग्वालियर लाया गया। पहले यहां डबरा पुलिस दोबारा पोस्टमार्टम कराने की बात कह रही थी, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। गांव में ही डबरा की बेटी के पार्थिव शरीर को रखा गया। दोपहर बाद उसका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ग्वालियर के डबरा में राजाराम बातम की बेटी शिव कुमारी बातम का इसी वर्ष ITBP यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस में बतौर आरक्षक सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद शिव कुमारी ITBP ट्रेनिंग कैंप के लिए उत्तराखंड में आई हुई थी। अचानक बेटी की मौत की खबर सुनते ही बातम परिवार में कोहराम मच गया है। जब परिजनों ने ITBP के अफसरों से बात की तो वहां से जवाब मिला कि वे पहले से बीमार चल रही थी और बीमारी के कारण ही उनकी जान गई है, लेकिन बीमारी क्या थी यह परिजनों को अभी भी पता नहीं चला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।